हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोच डॉट सोबिज़म। यहाँ पर हम अपनी सी प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और आज हमें ये फैक्टर वाला क्वेश्चन देखना है। इसमें हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट कराना है यूजर से और फिर उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनको प्रिंट करवाना है। और फैक्टर हमारा होता क्या है, फैक्टर्स आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर। आपको वैसे फैक्टर का मतलब पता ही होगा क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ी है, जब भी आप इतनी आगे तक आ गए हो और आप कोडिंग कर रहे हो अब। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे नहीं पता, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जब हम कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक दूसरा नंबर बनाते हैं तो वो जो नंबर्स होते हैं उन्हें ही हम फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर इसे और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर 30 को हमने 2 × 3 × 5 करके बनाया है, तो 2, 3 और 5 हमारे फैक्टर्स हो गए। 15 को हमने 5 × 3 करके बनाया है, तो 3 और 5 हमारे फैक्टर्स हो गए। और एक लॉजिक जिससे मैं फैक्टर्स के बारे में समझाऊं तो वो ये होता है कि 24 को हम किसी नंबर से डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो वो नंबर 24 का फैक्टर बन जाएगा। आई रिपीट, अगर हम 24 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर 24 का फैक्टर हो जाएगा। और हम इसी लॉजिक को इस प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है क्योंकि हमें printf और scanf का यूज करना है। और आगे हमने फिर मेन फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, एंड में रिटर्न 0 है जिससे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। ये ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है और ये डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ईजी है। बस इसमें एक लॉजिक आपको समझना है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, नम नाम का एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया है। हमने नम वेरिएबल बनाया है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और फिर हमने प्रिंट करवाया एंटर द नंबर यू वॉन्ट द फैक्टर्स ऑफ। और फिर हमने स्कैनफ को यूज करके उसी नंबर को एंटर करवा लिया है। मतलब अभी हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है नम नाम का और फिर हमने उसे यूजर से इनपुट करा लिया है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ यूज करके द फैक्टर्स ऑफ परसेंटेज डी आर, परसेंटेज डी की जगह नम आएगा और परसेंटेज डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो हम इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज करते हैं। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर लूप चलाया है और इसी में हमारी सारी इम्प्लीमेंटेशन है और इसी से हमारे जो नंबर्स होंगे वो प्रिंट होंगे। और इस फॉर लूप को हमने कैसे चलाया ये मैं आपको समझा रहा हूँ और आप ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कराया है 1 से, मतलब आई इक्वल्स 1 से ये फॉर लूप शुरू होगा और ये चलेगा आई लेस देन इक्वल्स नम बाय 2। इसका मतलब क्या कि जो हमारा नंबर था जो भी हमने एंटर कराया उस नंबर का हम हाफ कर देंगे और जब तक आई की वैल्यू उस नंबर के हाफ के इक्वल हो जाएगी जब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा। मतलब अगर हमारा जो नंबर है, यहाँ पर मैं कमेंट में आपको बता रहा हूँ, अगर हमारा नंबर 40 है तो यहाँ पर ये लूप कितनी बार चलेगा, 40 / 2 बार। मतलब यहाँ पर 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 20 और ये लूप कितनी बार चलेगा, 20 बार। तो यहाँ पर आई इक्वल्स 1 से लेकर आई इक्वल्स 20 तक ये चलेगा। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है, हम जो भी नंबर डालेंगे उसको ये 2 से डिवाइड करेगा और फिर ये उतनी बार चलेगा। मान लो ये एक ऑड नंबर हो गया, जैसे यहाँ पर ये 15 हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 15 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7.5, लेकिन वो 7 स्टोर होगा क्योंकि ये एक इंटीजर है। हमारा जो नम था वो एक इंटीजर है और आई भी हमारा इंटीजर है, तो यहाँ पर स्टोर क्या होगा, नम है, नम बाय 2 क्या होगा, नम बाय 2 7 होगा, ये 7.5 नहीं होगा। और फिर ये कितनी बार चलेगा, आई इक्वल्स 1 से लेकर आई इक्वल्स 7 तक ये चलता ही रहेगा। और ऐसे ही ये अलग अलग नंबर्स के लिए चल सकता है जो भी नंबर हम इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पर ये फॉर लूप मैं आपको समझाता हूँ। फॉर लूप में घुसते ही हमने क्या किया है, एक कंडीशन चेक करी है और यही कंडीशन जो होती है हमारे फैक्टर को चेक करने के लिए होती है। और हमने इसमें क्या किया है, हमने लिखा है इफ, मतलब हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी है और अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कंडीशन में हमने बोला है कि नम मॉडुलस आई इक्वल्स इक्वल 0, मतलब हम नम को आई से डिवाइड करेंगे और अगर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल हो गया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये प्रिंट करा देगा परसेंटेज डी और आई, मतलब ये आई की वैल्यू प्रिंट करा देगा। मान लो यहाँ पर मैं 6 डाल देता हूँ वैल्यू नम की, हमसे जब नम की वैल्यू मांगी गई तो मैंने 6 डाल दी। अब हमने 6 डाली है तो ये कितनी बार चलेगा, नम बाय 2, मतलब ये 3 बार चलने वाला है। आई इक्वल्स 1 से लेकर आई इक्वल्स 3 तक ये लूप चलने वाला है। और फिर यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, जब ये आई इक्वल्स 1 के लिए चला तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है और नम की वैल्यू 6 है, तो ये क्या करेगा, नम को डिवाइड करेगा आई से,
मतलब 6 को 1 से डिवाइड करेगा और फिर ये रिमाइंडर चेक करेगा, अगर वो 0 हो गया तो ये आई को प्रिंट कर देगा, मतलब 1 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हम 1 से सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमने हर नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 भी इन सब का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लूप के लिए मानो 1 प्रिंट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आई इक्वल्स 2 के लिए लूप चलेगा। आई इक्वल्स 2 के लिए जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये चेक करेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 और उसका रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल हो गया तो वो 2 को प्रिंट करा देगा। और यहाँ पर ये वैल्यू ट्रू होने वाली है इसलिए 2 भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है 3 और ये रिमाइंडर 0 छोड़ता है। तो यहाँ पर हमारी 2 भी प्रिंट हो जाएगी और फिर हमारा क्या होगा, ये लूप आई इक्वल्स 3 के लिए भी चलेगा। और आई इक्वल्स 3 के लिए भी चलेगा तो ये 6 डिवाइडेड बाय 3 और उसका रिमाइंडर भी हमारा 0 होगा तो ये 3 भी प्रिंट कर देगा। तो यहाँ हमारा अगर हम नम 6 देते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1, 2 और 3। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये वैसे ही चलने वाला है। आपको जैसे मैंने समझाया था उसी के लिए मैं ये नंबर डाल रहा हूँ 6, और हमने 6 डाला तो हमारे फैक्टर्स आ गए। द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2 एंड 3। और मैं अभी इसको आपको एक बड़े नंबर के लिए समझा के दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आप 15 डाल लो, अगर आप 15 डालोगे तो ये कितनी बार चेक होगा, 15 डिवाइडेड बाय 2 हमें पता है 7.5 होता है, लेकिन ये 7 स्टोर करेगा क्योंकि वो एक इंटीजर है। और फिर यहाँ पर 7 स्टोर हो गया तो इसका मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, 7 बार। 7 बार अगर ये लूप चलेगा तो आई इक्वल्स 1 से लेकर आई इक्वल्स 7 तक चलेगा। और जब हम 1 के लिए चेक करेंगे 15 को, मतलब हम 15 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे और उसके बाद हम रिमाइंडर चेक करेंगे तो वो 0 होगा। और हमें पता है कि 1 तो हर नंबर के लिए प्रिंट होता ही है क्योंकि 1 सबका फैक्टर है। फिर हम इसे 2 के लिए चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 2 और फिर हम जब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका रिमाइंडर देखेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 आया होगा, क्योंकि 15 एक ऑड नंबर है और हम किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर 1 देता है। तो यहाँ पर 2 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट नहीं होगा और ये जो कोड ब्लॉक है ये रन नहीं होगा। और फिर ये आगे आएगा और ये आई इक्वल्स 3 के लिए चलाएगा, आई इक्वल्स 3 के लिए चलाएगा तो ये देखेगा 15 डिवाइडेड बाय 3 और फिर उसका रिमाइंडर देखेगा तो वो वहां पर 0 होगा, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाय 3 5 होता है और रिमाइंडर 0 छोड़ता है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो 3 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो 15 के लिए हमने जब 1, 2, 3 के लिए चेक करा तो 1 और 3 हमारा फैक्टर्स निकले और जो 2 है वो फैक्टर्स नहीं निकला। वैसे ही हम 4 के लिए करेंगे तो वो भी एक फैक्टर नहीं होगा, हम 5 के लिए करेंगे तो वो एक फैक्टर बनेगा क्योंकि 15 डिवाइडेड बाय 5 हमारा 3 देता है और वहां पर रिमाइंडर 0 होता है। और फिर हम इसे 6 के लिए भी चेक करने वाले हैं और जब हम 6 के लिए चेक करेंगे तो हमें पता है रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता, 15 डिवाइडेड बाय 6 0 नहीं देता रिमाइंडर। और फिर ये कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाएगी, फिर ये प्रिंट नहीं होगा। और फिर हम 7 के लिए भी चेक करेंगे और हमारा 7 भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 देता है लेकिन वो रिमाइंडर छोड़ता है 1, इसलिए 7 भी प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ 15 के लिए क्या प्रिंट होगा, 15 के लिए 1, 5 और 3 प्रिंट होगा। तो मैं इसे 15 के लिए रन करा कर दिखा रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पर 15 डालूंगा वैल्यू तो हमारी ये जो फैक्टर्स आ जाएंगे, द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पर ये पूरा मैंने आपको प्रोग्राम समझा दिया है। तो गाइज, हम कमिंग वीडियोज में प्राइम नंबर्स के लिए प्रोग्राम देखेंगे और हम आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट को पूरा खत्म करेंगे कुछ टाइम में। और अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो और आपको कुछ भी हेल्प हो रही है तो आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो मेरे वीडियो को, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी और ज़्यादा वीडियोस ला पाऊंगा आपके लिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।